नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। भाइयों, बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि टायरों में पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, किन भाइयों को टायरों में पानी डालना चाहिए, तो पूरी मैं आपको बात बताऊंगा आज। तो भाइयों, ये वाला जो ट्रैक्टर चल रहा है सोनालिका 60RX चल रहा है जी, पूरा पहले आपको जो है मैं सिस्टम दिखा दूँ। तो भाइयों, पहले आप पूरा सिस्टम देख लो। 16/9/28 के ट्रैक्टर के पिछले टायर हैं इसके, और सिंगल वेट लगा हुआ है, और 20 डिस्क की हैरो है। हैरो पूरी है, बढ़िया है, और यहाँ पे भाई ने ड्रॉबाल में डाल रखी है। तो भाइयों, 1800 RPM पे पहले हाई में चल रहा है ट्रैक्टर, और यहाँ पे पूरी काली मिट्टी में चल रहा है जी, पक्की काली मिट्टी है जो। तो भाइयों, ये जो मिट्टी होती है, अगर ये मिट्टी सूखी हो तब भी ट्रैक्टर का बहुत जोर लगता है, अगर ये मिट्टी गिल्ली हो तो भाइयों गिल्ली होने के कारण बहुत ज़्यादा ये मिट्टी जो है स्लिपरी हो जाती है। तो भाइयों, बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आता है कि भाई जो है टायरों में पानी डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो भाइयों, जहाँ पे हार्ड सॉयल है और स्लिपरी मिट्टी में, जैसे कि ये ट्रैक्टर चल रहा है, कोई परफेक्ट है भाइयों, जो तवियाँ हैं, 20 तवे की हैरो है और अपना लगभग 60 HP का ट्रैक्टर है, तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पा रही। तो भाइयों, इसका कारण है कि जो है ट्रैक्टर का ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी मिट्टी है। तो भाइयों, जिन भाइयों के पास हार्ड सॉयल है, जैसे कि अपने अदर राज्यों से भी भाई वीडियो देख रहे हैं, और भाइयों स्पेशली मैं कहूँगा कि जिनके पास जो है टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हैं भाइयों के, और बड़ी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, तो वो जो है पानी ज़रूर डाल सकते हैं अपने टायरों में। अब जैसे ये ट्रैक्टर चल रहा है भाइयों, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं आ रही है ट्रैक्टर की 60 HP के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर जो है स्लिप ले रहा है। तो भाइयों, ये धरती के ऊपर भी निर्भर करता है, जहाँ पे मीडियम सॉयल है वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जी वाटर ब्लास्टिंग की, लेकिन जैसे ये धरती में ये ट्रैक्टर चल रहा है तो यहाँ पे जी काफ़ी ज़रूरत है। अगर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में भाइयों इसमें ही वाटर ब्लास्टिंग, यानी कि पैरों में पानी भर दिया जाए, तो इसकी परफॉर्मेंस 40% तक बढ़ जाएगी। तो भाइयों, ये काली पक्की मिट्टी के अपने ही गुण हैं और अपने ही अवगुण हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ये नॉर्मल होती है, थोड़ी सी बारिश होने पर ये ज़्यादा गीली हो जाती है, और अगर सूख जाए तो बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि भाइयों ट्रैक्टर का ट्रैक्शन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ भाइयों के मन में सवाल होगा कि भाई डीजल खर्च घटेगा या बढ़ेगा ट्रैक्टर का वाटर ब्लास्टिंग से। तो भाइयों, खेत में तो जो है हल्का मुल्का घट जाएगा, क्योंकि स्लिप लेने से भी इंजन को काफ़ी लोड पड़ता है जब ट्रैक्टर स्लिप लेके चलता है, और सड़क पे जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डीजल खर्च बढ़ जाता है। तो भाइयों, जल्दी अपने चैनल पे जो है एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाइयों वाटर ब्लास्टिंग के ऊपर, जिसमें कि पूरा आपको एक ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस सेम इंप्लीमेंट पे, पहले जो है सादा ट्रैक्टर चला के देखेंगे, फिर जो है वाटर ब्लास्टिंग करके आपको मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो भाइयों, जिन भाइयों के पास जो 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी वाटर ब्लास्टिंग की, वो फ्रंट में वेट लगा सकते हैं, उससे ही जो है ट्रैक्टर की पुलिंग पावर बहुत बढ़िया हो जाती है। तो भाइयों, कुछ भाई कहेंगे कि भाई खेत में जो है डीजल खपत कैसे घट जाती है पानी डालने से, जिससे कि ट्रैक्टर भारी हो जाता है, तो खपत तो घटनी नहीं चाहिए। तो भाइयों, वहाँ पे बता दूँ कि जितनी ट्रैक्टर की अब चाल लगभग 1600-1700 चक्करों पे है, फिर जो है आपके 1500 चक्करों पे उतनी ही चाल आ जाएगी, 200 RPM घट जाएंगे भाइयों, और चाल जो है सेम रहेगी, क्योंकि ट्रैक्टर की स्लिपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये अगला हिस्सा हैरो का उठा के काफ़ी तरकीब से भाई चला रहा है, तब ये ट्रैक्टर सही चल पा रहा है। तो भाइयों, जिन भाइयों को भी वाटर ब्लास्टिंग की टायरों में पानी डालने वाली फुल वीडियो चाहिए, तो वो भाई कमेंट करना। और भाइयों, मैं अपनी ऑडियंस के लगभग सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा भाइयों बताने को, तो मैं बैठ के भी बता सकता हूँ, वो भी भाइयों को समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको लाइव करके दिखाऊँ। तो भाइयों, एक ही ट्रैक्टर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और भाइयों जिन भाइयों के यहाँ काली पक्की ज़मीन है वो भी भाई ज़रूर बताना, जिसका जो अपना वाटर ब्लास्टिंग का जिस भाई को एक्सपीरियंस है, जिस भाई ने ट्रैक्टर में पानी डाल रखा है, तो सिंचाई पे कितना फ़र्क है, जिससे कि दूसरे किसान भाई आराम से समझ सके। तो भाइयों, उस वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ लाइव कंप्लीट दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, कि भाई कैसे कैसे करके क्या सावधानियाँ रखनी है, और जो वाटर ब्लास्टिंग वाला ट्रैक्टर है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो भाई उस कंप्लीट पूरी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा मैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं ट्रैक्टर से, क्या क्या नहीं कर सकते जो वाटर ब्लास्टिंग वाला ट्रैक्टर है, और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो भाई आज केवल आपको ये दिखाना था कि भाई देखो 60 HP का ट्रैक्टर है और मीडियम सी तवियाँ खुली हुई हैं, लेकिन जो काली मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा हल्का सी गिल्ली होती है, स्लिपरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा ट्रैक्टर भी किस तरीके से जो है स्लिप ले रहा है।